नहीं, आप सड़क पर तो हैं, पर बात तो संसद के अंदर बैठने की हो रही है। तो अलका जी, क्या उम्मीद कर रही हैं इस बार के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में? पूरा देश घूमने के लिए आप निकली हुई है? मैं फिर कह रही हूँ, आपने कहा राजनीतिक दल का काम चुनाव लड़ना, जीतना, संसद में पहुंचना है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1885 में, 138 साल जब पहले बनी थी, देश आजाद कब हुआ 1947 में, तो हम क्या कर रहे थे? पहले सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे। और वो आजादी के बाद सरकार होगी नहीं होगी, कौन प्रधान होगी, कभी किसी के दिमाग में आया ही नहीं था किसी के। लेकिन जब हमारे पास देश आया हमारे हाथ में, है ना, हम कहते हैं कटोरा लेकर अनाज बाहर से मांगते थे, आज वो देश हरित क्रांति लाके अपने पैरों पर खड़ा, 140 करोड़ के भारत का पेट पाल रहा है। सो बात ये नहीं है कि कितना चुनाव हम सीटें जीते, कहां जीते, हां ये एक आंदोलन है, ये पार्टी अपने आप में एक आंदोलन है जो निरंतर जारी रहेगा, हम हारे या हम जीते। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था जिन्होंने, आज वो दक्षिण भारत को मुक्त हुए बैठी है भाजपा, और आज भी कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है, कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल में। आज भी कांग्रेस मुक्त भारत का सपना जो लेकर आए थे साकार नहीं हो रहा है। आज भी हर राज्य में 20% वोट, तमिलनाडु केरला से लेकर कश्मीर तक, आज भी देश का कोई कोना, कोई राज्य नहीं होगा जहां कांग्रेस के चाहने वाला या वोट करने वाला ना हो। तो ये हमारी ताकत।